हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। दोस्तों, नेट का एग्जाम और बाकी भी आर्ट एग्जाम्स काफी, जो आप लोग अदर स्टेट्स के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वो भी अब बिल्कुल अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये टाइम ही ऐसा होता है, अच्छा खासे एग्जाम्स निकलते हैं, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन में काफी लगे हुए हैं। और इसलिए हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज हमने स्टार्ट किया था, उसी का आज रिकॉर्ड सेशन अपन लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सारे वीडियो, सारे स्टडी मटेरियल की जानकारी आपको दिख रहा है सामने, टेलीग्राम चैनल और आपका इंस्टाग्राम इस पे मिल जाती है, तो आप चाहें तो इस पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अपन अब पहले अब शुरू कर लेते हैं। देखिए, 87 क्वेश्चन है। इसके पहले डीएसएसबी का पेपर था, डीएसएसबी शायद पीजीटीए के पीजीटीए बताया था मैंने आपको, तो 2018 का है और उसके हम लोग इससे पहले के क्वेश्चन लास्ट वीडियोज में कर चुके हैं। अभी उद्देश्य सिर्फ डीएसएसबी पेपर प्रैक्टिस नहीं है, पेपर प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस को समझना, जिससे कि हम उस टॉपिक पे डिस्कस कर सके, ठीक है। एकदम से हर टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस आए थे तो हम उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, बस यही उद्देश्य मेरा रहता है। चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, उसको लेके हम थोड़ा सा मतलब एक अलर्ट हो जाए इन क्वेश्चन को लेके, कि यार इन पे बन सकती है बात, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक मूर्तिकला, मतलब कि एक तरह से बोलेंगे जो बाहर आउटडोर होता है ना, वो एट द हब ऑफ द थिंग्स, ओके, एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पाषित किया गया, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा मूर्तिकार, मूर्तिकला है ना, जो एट द हब ऑफ द थिंग्स, ठीक है, ब्लू कलर का ऐसा कटोरे जैसा है, देखना कभी तो इसके मूर्तिकार कौन है, तो इसके मूर्तिकार द फेमस अनीश कपूर है। कुछ पॉलीस्टर इसी मटेरियल से बना गया है वो स्कल्पचर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरे में प्राय से कौन सा रूप है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से आपको पता है मोहर सील्स मोस्टली मिली है, ठीक है, और मिट्टी की मिली है, मेटल की भी मिली है, लेकिन है ना, और लेकिन बात यह है इंटेग्लियो फॉर्म में मिली है, ध्यान रखना, लेकिन बात यह है कि उस मोहरों में कौन सा रूप ज़्यादा है। तो कौन सा रूप है, तो आपको पता है बुल, बुल की मोहरें जो मिली है जिसको बैल बोलते हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बैल। चलिए आगे देखें। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए क्या वो पोस्टर बनाए थे, है ना। तो ये आपके विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैच, यामिनी रॉय और नंदलाल बोस। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से 10 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये लोग और 11वीं बार मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस। यही है जो एक तरह से हम बोलेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन और इन सब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब के कनेक्टेड आर्टिस्ट रहे, ठीक है। आर्टिस्ट कितनी बार आ जाता है पता है, इसके ऑप्शन में आपको रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोल देते हैं और कहते हैं कौन उस चीज से कनेक्ट थे, ये कि ही, बट एज एन आर्टिस्ट पूछा गया है, कौन सा कलाकार पूछा गया है, तो आंसर क्या आएगा, नंदलाल बोस, क्योंकि नंदलाल बोस एज अ आर्टिस्ट तो वही एसोसिएट थे ना, वही जुड़े थे, उन्हीं ने पोस्टर्स बनाए थे, उन्हीं ने इस तरह की चीज़ों को मतलब एडवर्टाइज किया था, तो आंसर आपका नंदलाल बोस होना चाहिए। भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्रकला मतलब वॉल पेंटिंग, बुद्ध का प्रलोभन, टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध, टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध अजंता की जो वॉल पेंटिंग है वो कौन सी गुफा चित्रण में है, तो वो जो है आपकी केव नंबर 1 में है, वही केव जहाँ पे आपके पद्मपाणि अवलोकितेश्वर हैं, वहाँ पे ही आपके जो भी डिफरेंट जितनी पेंटिंग्स हैं उधर पे ही बुद्ध का प्रलोभन भी है। कंपनी स्कूल शैली, कंपनी स्कूल शैली पता है, कंपनी स्कूल शैली बोले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी से आई थी, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम आप सबको पता है क्योंकि पटना है, पटना उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिशर्स है, उनका मेन ट्रांसपोर्टेशन सेंटर हुआ करता था और इसलिए उसी पे वही एक सेंटर था, वहाँ पे ही शैली डेवलप हुई थी, तो नाम क्या हो गया था, पटना शैली हो गया था, बाजार शैली भी कहते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में आई है, तो देखिए 2500 ईसा पूर्व, देखिए कोई सा लग ही नहीं रहा है, इसके अलावा डेटिंग्स अलग अलग होती है, जैसे कार्बन डेटिंग्स अलग है थोड़ा बहुत आगे पीछे, बट आपको सबको पता है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका डेट रहा है। चित्रकला जमीन की रचना किसने की है, तो आपको पता है जमीन चित्रकला फेमस आर्टिस्ट MF हुसैन द्वारा की गई है। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांश किससे संबंधित थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो मतलब कि इंडस वैली
सिविलाइजेशन, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको बता ही रखा है वो अधिकांश किससे कनेक्टेड थी, ग्रामीण वर्ग से, वन्य जीवन से, उच्च वर्ग से या राजाओं से। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे एक तरह से गांव से शहर में आए हैं। आपको इंडस वैली के बारे में पढ़ें तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हम गाँव से शहर में आए हैं। शहरी सभ्यता है जो अभी तक रूरल चीज़ चल रही थी, एक अर्बन प्लानिंग है, हर चीज़ का प्लान करने लग गए और पूरा नगर नियोजन होने लगा। तो ये सब किन के लिए होगा, जब वर्ग आपका ऊंचा होगा तभी ये चीजें होगी। तो इसलिए इसमें हमको देख के क्या पता चलता है, ऊंचा वर्ग। क्यों ऊंचा वर्ग, जैसे कि स्नानागार है, अन्नागार है, बिल्कुल राजा उस तरह के तो बने हुए। तो एक तरह से उनके शौक ऊंचे वर्ग के होंगे, नहीं तो निम्न वर्ग होगा तो वो तो क्या करेगा, वो अपनी जरूरतें पूरी हो जाए उसी पे संतुष्टि रहेगी उसकी। ठीक, भारत में पुनरुद्धार मतलब कला, रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? ठीक है, तो आपको पता है रिवाइवलिस्ट मीन्स वही रिनाइसेंस आर्ट मूवमेंट, उसके अधिनायक कौन थे, उसको शुरुआत किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी विद ईवी हैवेल। चिपचिपाहट तकनीक के दक्ष मुद्रा प्रिंट मेकर कौन है? चिपचिपाहट तकनीक, चिपचिपाहट टेक्निक के जो है, जिसको आप विस्कोसिटी कहेंगे, है ना, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, तो आप इंग्लिश में आओ तो विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का नाम आएगा अगर भारत में, तो इनके अलावा हम सबसे पहले इन्हीं को याद करेंगे, क्योंकि ही इज नोन एज फादर ऑफ विस्कोसिटी इन इंडिया। और जो ओवरऑल फादर मतलब हम बोलेंगे ओवरऑल विस्कोसिटी का अगर बात आती है तो हम स्टेनली विलियम हेटर की बात करेंगे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये कौन है, ये जो है आपके मतलब फादर ऑफ विस्कोसिटी, इन्हें विस्कोसिटी मीडियम चालू करी थी और उन्हीं के साथ रह के इनने काम किया था, एटेलियर 18 में भी काम किया था और ये पेरिस में जो वर्कशॉप उस वो पूरी विस्कोसिटी को लेके थी। तो इसलिए इस टेक्निक के मेन प्रिंट मेकर कौन होंगे, ये होंगे। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का निर्माण हर कोई जानता है ना, उन्हीं ने जिसने आपके उनका कराया था, ताजमहल का कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। लाल किला कहाँ पे? दिल्ली में, ये तो बताना नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन वूर्ण श्रृंखला से संबंधित है? अभी लास्ट पेंटिंग्स देखी हो तो देखी होगी, फेमस पेपर पल्प प्रिंटिंग सोमनाथ होर द्वारा की गई है, वुंड्स। आया कि नहीं आया, ऐसे क्वेश्चंस इसलिए आते हैं। इसलिए पेंटिंग लास्ट, जो पेंटिंग डिस्कशन का भैया वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, फिर मुझे मत बोलना कि आपने बताया नहीं, बिकॉज वो हर किसी के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो सोमनाथ होर ने बनाया है, ये पेपर पल्प प्रिंट से बना गया है। ठीक है, और इन्हीं को अगर पूछा जाए कि घावों का चित्रकार किसे कहा जाता है, वुंड्स का पेंटर किसे कहा जाता है, वो भी इनको कहा जाता है। फेमस पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं, स्कल्प्टर हैं, सब कुछ हैं। ठीक, देवसानो पाडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस स्वरूप से प्रभावित था? ठीक है, जो कल्पसूत्र देवसानो पाडो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र का भी आ सकता है कि कहाँ से है, तो ये जैन ग्रंथ है और इसी का जो चित्रण है, इस इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो ये जो है पर्शियन कला स्वरूप से प्रभावित था। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, अभी बताया था आपको, उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई के सही आयाम के बारे में बताइए। तो ये जो है आपका क्या था इसका 11 पॉइंट, यही ऊपर फर्स्ट वाला ही सही है ना। ये फालतू का बस मैथ्स जिस चीज़ करते हैं, एक एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया है इन लोगों ने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यही 11.7 मीटर, 6.9 मीटर और 2.4 मीटर। तो ये चीजें, ये इनको याद रखना। किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है ना? यहाँ पे सब मुगल आर्टिस्ट हैं, मतलब मुगल पेंटिंग की जो आप गोल्डन एज में कौन सा आर्टिस्ट रहता है, तो यहाँ मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज बोला गया है। तो आपको पता है कि पेंटिंग में सबसे ज्यादा जो उन्नति हुई वो जहांगीर के पीरियड में हुई थी, इसलिए ये उनका स्वर्ण काल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? ठीक है, तो बंगाल समूह, प्रगतिशील समूह, कलकत्ता समूह, टुर्क। टुर्क का अगर इंग्लिश मीडियम टर्कस होता है, मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिएगा, यंग टर्कस ग्रुप को ही अगर टुर्क बोलते हैं तो यंग टर्कस ग्रुप ही सबसे पहले होना चाहिए 1941 का, कोलकाता ग्रुप 1943 का होता है, पर कितने लोग कोलकाता को भी स्टार्टिंग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का कंटेम्प्रेरी था, तो अभी मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं बोल सकती हूँ, ये 1943 ये तो सब बाद के, 1947 और ये और बात का है, लेकिन यहाँ पे जो है आप
थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए, क्योंकि टर्कस ग्रुप पहले का था। मैं और एक बार कंफर्म कराऊंगी अपने नोट्स वगैरह से देख के। निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया। तो सीपिया, जल रंग पता है, वाटर कलर, नवीन पदार्थों का प्रयोग किया था, ब्रिटिशर्स आए थे, अजंता की भित्ति का अध्ययन। भैया कंपनी स्कूल में अगर अजंता की भित्ति का अध्ययन हो जाता तो हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर जी, पीवी हेवल जी जो है पुनरुत्थान को लाते ही क्यों, अगर ये हो जाता तो। ये नहीं था, उनने अपनी चीज़ों को मतलब वो किया, इसलिए पुनरुत्थान की ज़रूरत पड़ी, इसलिए भेजा गया भाई अपने शिष्यों को कि जाओ जाके वहाँ की प्रतिकृतियाँ तैयार करो। आड़ा खड़ा चित्रांकन मतलब क्रॉस हैचिंग कहते हैं जिसको, तो क्रॉस हैचिंग भी बिल्कुल किया है ना, तो ग जो है वो सही है। जल कुमुदिनी मतलब वाटर लिलीज का चित्रण इन कौन से आर्टिस्ट ने किया है? जल, तो आपको पता है वाटर इन इज फेमस म्यूरल किसके द्वारा? एम रामचंद्रन, फेमस म्यूरलिस्ट हैं फ्रॉम मद्रास। ठीक है, अजंता में भित्ति चित्र में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? अजंता की जो हमारी वॉल पेंटिंग्स है किस गुण की कमी है? तो रेखीय परिदृश्य, गतिशीलता की, लॉ ऑफ फ्रंटेलिटी की, परिप्रेक्ष्य के बहुतायत। तो जो रेखीय लीनियर परिदृश्य है उसकी इनमें कमी रही है। सेरेमोनियल आकृतियों का निर्माण करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? अनुष्ठानिक है ना, अनुष्ठानिक और सेरेमोनियल, अगर मतलब सेरेमोनियल समझ रहे हैं आप, जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है, इस तरह का, तो उसको ब्रॉन्ज को यूज करते हैं क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सिंधु घाटी कला में इनमें से सेरेमोनियल मतलब वही जो हम लोगों के लिए उसका, जैसे ये बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये सब। सिंधु घाटी सभ्यता कला में कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य है? कौन सा पेड़ है भाई? तो इसमें से बरगद का पेड़, ठीक है, आपको दिखेगा जो मतलब उसकी कुछ मोहरों मोहरों में मिला हुआ है वो। वुमन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तो किसकी कृति है भाई? ये तैयब मेहता की है ना, रिक्शा लिए हुए इस तरह से। विकर्ण डायगोनल सीरीज भी याद रखना इनकी, आया है पिछली उसमें पढ़ाया अपन ने, काली सीरीज याद रखना, सेलिब्रेशन याद रखना, बहुत बेसिक्स हैं, ठीक है, कहीं भी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्र मतलब अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है, मतलब वो अकबर के समय नहीं थे? तो बसावन, दासवन, केसुदास है, लेकिन अबुल हसन जो है आपको पता है जहांगीर के टाइम के हैं, और जहांगीर ने इन्हें नादिर उल जमन के नाम से भी उपाधि दी थी। क्वेश्चन आ जाएगा तो नादिर उल जमन आपके ये हैं, नादिर उल असर मंसूर है। ताड़पत्र पर चित्रकाली पंडुलिपि पंच विसंती क्या है, विसंती सहस्त्रिका इन शैली में किससे संबंधित है? ठीक है, तो ताड़पत्र पे जो संबंधित है तो वो है ताड़ शैली से, शायद से इसमें पाल शैली आना चाहिए, देखते हैं, ताड़ शैली ही सही है। कौन सा डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? डांसिंग उसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? तो ये बहुत अच्छा है, पिछली बार वो कुछ गोल्ड में मिलते भी नहीं है इसके ज़्यादा, डेक्कन के बारे में अगर जिसने बहुत डिटेल्ड पढ़ा हो तो अच्छा याद रखना कि नृत्यों के दृश्यों के लिए कौन फेमस है, तो गोलकुंडा, गोलकुंडा के जो चित्र हैं वो उसमें आपको मिल जाता है। चलो, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगल की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था, ठीक है, मतलब अस्वीकृत कर दिया था। तो बशोली नहीं, बशोली तो भैया मुगल प्रभाव में है, कांगड़ा नहीं, जयपुर नहीं, मेवाड़ साफ ही है। क्यों मेवाड़? ये तो सब है आपको पता है, ये सब तो स्थानीय, इसको मुगल शैली भी कहते हैं, लेकिन मेवाड़ के नाम से मैंने आपको याद कराया कि महाराणा प्रताप याद रखिए, और उन्होंने कभी भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी, इसलिए मेवाड़ ने मतलब उनकी परंपराओं को स्वीकृत करने से अस्वीकृत ही किया था। बाद में जब अमर सिंह द्वितीय वो आए थे उनके समय, उनके पुत्र, तो उसके बाद वो उनका कुछ समझौता हो गया था, पर उसके बाद फिर जो आगे के लोग थे, तो अपन अमर सिंह जी उनको बोलेंगे तो वो एक तरह से चावन शैली अलग होगी, लेकिन जो मेवाड़ की मूल शैली थी उसमें कभी भी इसका प्रभाव नहीं आया था। उस भारतीय कलाकार का नाम बताएं जिसने पॉल गोगिन के बसोली, अजंता और कांतिमन रंग पट्टी का ब्राइट पैलेट की छवियां को संयोजित किया।
तो आपको इसमें क्या बताऊं मैं, अभी पिछली बार अपन ने जब पेंटिंग डिस्कस की थी उसमें बताया था कि जो टू गर्ल्स हैं, थ्री गर्ल्स हैं अमृता शेरगिल द्वारा, तो उसमें आपको सीधे पॉल गोगिन की है ना इन चीज़ों को दिखता है अजंता, और इनकी उन चीज़ को उनने संयोजित किया, मतलब पॉल गोगिन की वो अजंता इन सबको संयोजित किया था, किसने, अमृता शेरगिल ने। राजस्थानी शैली को राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थान शैली की जो राजपूत चित्रकला है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम जो है राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, मतलब एक तो राजपूत राजस्थान राजपूत चित्रकला को तो राजस्थानी और पहाड़ी कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? चलो ये मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप लोग देखिए, क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आ रहा। तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी, मालाबार ब्यूटी जो आपकी पेंटिंग है फ्रॉम वाटर कलर, किसने चित्रित किया है? तो ये जो है ऑयल, सॉरी वाटर कलर क्या, ऑयल रंग, वही मैंने कहा, किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने किया है। मोहम्मद फाकिरुल्ला खान, मोहम्मद फाकिरुल्ला खान एक आर्टिस्ट है, किसके दरबार के थे? तो ये जो है शाहजहां के समय के अच्छे आर्टिस्ट थे मोहम्मद फाकिरुल्ला खान, इनका वो कबीर एंड रैदास पेंटिंग है उनका, है ना, याद रखना, ये भी अच्छा है। प्रगतिशील समूह का गठन अभी बताया था आपको 1947 में हुआ था, फ्रांसिस न्यूटन सूजा द्वारा। उस शैली की पहचान करें जिसमें सफाविद शैली, जिसका सफाविद शैली से संबंध है। सफाविद शैली क्या होती है, चलिए इसको बताते हैं, मेरे को हिंदी समझ नहीं आ रही, पर इसका आंसर अकबर है ये पता है मुझे। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पांच रक्षा सूत्र की जो हस्तलिपि है उसका संबंध आपके पाल लघु चित्रकारी से है। निम्नलिखित में से कौन मुगल राजमहल में महिला चित्रकार थी? महिला चित्रकार जो कि मुगल राज दरबार में थी, तो वो थी साहिबा बानो, जहांगीर के टाइम ही थी शायद। आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पता है आपको, आबू का दीवार मंदिर जो कि मार्बल से बना गया, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने काली श्रृंखला किया है। देखो एक तैयब मेहता का, दो क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने ऊपर आपको बताया और यहाँ पे फिर आ गया। निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं, है ना, मोस्टली इसमें चित्र पाए जाते हैं ना, चीजें क्या पूछोगे कि पेंटिंग्स, मतलब हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो पेंटिंग्स हैं वो किस फॉर्म में देखते हैं, तो आपको पता है वो, मतलब आप मूर्तियों में तो नहीं देखोगे, मोहरें भी नहीं चित्रित होती, दीवारें भी नहीं, कहाँ पे होती है? मिट्टी के बर्तनों में, जो पात्र में होते हैं वही इनकी चित्रकला के अवशेष होते हैं। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा किसका योगदान है? ठीक है, महिलाओं के द्वारा जो लाल रंग की, वो तो ये जो है हड़प्पा परंपरा का है, उसमें उसके उसमें कुछ उनको एक्सकेवेशन मिला है। लघु चित्र प्रेम की नाव, मतलब बोट ऑफ लव जो है, बोट ऑफ लव मिनिएचर पेंटिंग जो है वो किस से संबंधित है? तो आपको पता है किशनगढ़ है, जो राजा सावंत सिंह है और बनी ठनी है उन, वो जो नाव में सवार उस तरह का, उसको बोट ऑफ लव पेंटिंग से कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका शब्द का अर्थ है मृतकों का स्थान। उस विकल्प की पहचान करें जो भारतीय मंदिर का सही, अच्छा ये सारे ओडिशा के मंदिर हैं, है ना, ओडिशा के हैं, और इसको आपको वो स्टार्टिंग से एंड तक करना है ना, सबसे ओल्डेस्ट ये रहा परशुरामेश्वर, फिर मुक्तेश्वर, फिर लिंगराज, फिर राजा रानी, फिर कोणार्क। कहीं कहीं इन दोनों को एक्सचेंज भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हैं। ठीक है, कोणार्क सबसे मॉडर्न ये याद रखना, परशुरामेश्वर एंशिएंट ये याद रखना। पत्थर के बुद्ध की पहली छवि किस कला में दृष्टित होती है? तो बुद्ध की जो पहली मूर्ति है वो मथुरा कला में, जो इन ह्यूमन फॉर्म। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आपको पता है मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के, इरावी, हड़प्पा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजा नामा के पंडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सही मतलब सम्मिलित था? तो कौन था? ये बसावन, भेजात, गोवर्धन, तो ये है आपके मीर सैयद अली।
हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम के रूप से सम्मान किया था, बात की गई है हुमायूं द्वारा। तो हुमायूं ने किसको किया था, मीर सैयद अली को। सिंधु घाटी सभ्यता की श्री कलम की उपाधि इनको मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की मतलब डांसिंग गर्ल जो है काय से बनी गई, ब्रॉन्ज से बनी गई। कहाँ पे है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। जैन लघु चित्रों की विशेषता जैसे गालों पर गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता। अच्छा हाँ, ये जो विशेषता है जैन लघु चित्रों की, ये कहाँ से इंस्पायर्ड होती है, तो ये एलोरा के भित्ति चित्रों से इंस्पायर्ड है। ये आया है, हमने जैन शैली में पढ़ा है। निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली में चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया है। अच्छा, डेक्कन, डेक्कन उसमें किसको, तो विजयनगर जो शैली है उसने प्रभावित किया है। सिंधु घाटी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई है, धातु की मूर्तियों की, मोहरों की, खिलौनों की, टेराकोटा आकृतियों की। वैसे सभी मिला है ना, मोहरे कर सकते हो। निम्नलिखित राजवंश में से किस राजशासन के दौरान पत्थरों को काट कर निर्मित करने की कला चरम पर पहुंच गई है। तो भैया पत्थरों को काट काट के इतना विशाल सप्तरथ बनाए थे, किस समय बनाया था, जो महाबलीपुरम का आपको बेस्ट रिलीफ मिलता है, जो आपको उसका रॉक कट आर्किटेक्चर मिलता है, वो यही सब तो था। तो ये किस समय बना था, तो ये पल्लव के समय बना था। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में है, तो आपको पता है वर्तमान में ये जो क्षेत्र है मतलब जो मेन मुख्य क्षेत्र है वो पाकिस्तान में, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आज पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये वीडियो थे, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।